अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरे से होंगे और अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ। मैथ का लेक्चर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये शेप्स उसने आपको दे दी हुई हैं और आपने इनके पैरामीटर फाइंड करने हैं। आप अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू उसने दी है 9 सेंटीमीटर, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, इसकी भी दी है, लेकिन यहाँ पर कोई लेंथ नहीं दी हुई उसने। इसकी भी दी है और इसकी भी दी है, इसकी नहीं दी। तो इसकी, इसका मतलब है हमें इसको हल करने से पहले इसकी जो लेंथ है हमें फाइंड करनी होगी। आपने क्या करना है, आपने देखना है इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ जो है वो इसकी लेंथ के इक्वल है। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब है अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आपने इसकी जगह पे 4 सेंटीमीटर लगा के इन तमाम साइड्स को सम कर लेना है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ क्लोज शेप। ठीक है, तो आपने इन तमाम का सम करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये वाली इसकी लेंथ नहीं दी थी, जब हमने मेजर किया तो हमें पता चला कि इसकी और इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल है। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो इसका मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर हुई। तो हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को पुट करके सम कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये, इस तरह की उसने हमें शेप दे दी है और इसमें उसने भी हमें लेंथ दी हुई है, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने 2 साइड्स की हमें लेंथ नहीं दी, एक इसकी नहीं दी। देखें आप, नोट करें, इसकी कोई नहीं है और इसकी भी कोई नहीं है। अगर हम ये देखें, इसकी और इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो किसी की इक्वल नहीं है। इसकी लेंथ इसकी और इसकी लेंथ से छोटी है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है और आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लगा के आपने इन तमाम साइड्स को और इनकी लेंथ्स को आपने सम कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने 4 सेंटीमीटर लगा लिए है, ये 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ बिल्कुल इक्वल थी और इसकी लेंथ इससे ज़्यादा थी, यानी कि ये थोड़ी थी तो ये हमारे 4 सेंटीमीटर है। इसकी जगह पे हमने 4 सेंटीमीटर लगा लेना है और इसकी 2 सेंटीमीटर लगा के हमने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को सम कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेबा।